हेलो रूमर, झाला चालू आहे. बोलू अरे लाइट के सामने आज वाले पुन्हा लागू एक आली तीन आले आठवा आले चलो जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ। वैभव भी आए. हाय वैभवी, ठीक है. रसीदा, निर्जा, प्रियंका, हाय निर्जा, हाय प्रिया, प्रियंका, अंकिता, हाय अंकिता, सोनाली, हाय सोनाली, नेरिका, सीमा, हाय रानी, सीमा, स्वरा, हाय स्वरा, जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ। फिराज, मधु, अर्चना, स्वाति, हाय नीरज, सबको हाय। नीरज हाउ आर यू? आई एम फाइन डियर। स्वाति, निहारिका, निहारिका बोलते बेलेटेड हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सो मच डियर। जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ। सोनाली, आज कौन सा केक? आज हम नवीन केक बगाई से डालगोना कॉफी केक, न्यू केक हम देखने वाले हैं डालगोना कॉफी, सो प्लीज जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ। स्नेहा, बेलेटेड हैप्पी बर्थडे मैम. थैंक यू स्नेहा। रानी, हैप्पी न्यू ईयर. सुवर्णा, हाय. किरण शिंदे, बेलेटेड हैप्पी बर्थडे. सपना, हाय. हाय सपना. कांचन, हाय. कीर्ति, हाय. श्वेता, हाय. प्रीति, हाय श्वेता. वर्षा, हाय. 225. चलो हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करेंगे. निर्जा, कौन सा फ्लेवर? आज डालगोना कॉफी केक बगाइचा है. कल ही मैंने बताया था कि आज हम लोग न्यू फ्लेवर देखने वाले हैं, क्योंकि कल मुझे नहीं मिला आने को और टाइम नहीं मिला, और आज ये मुझे ऑर्डर है डालगोना कॉफी केक का, तो आज हम लोग डालगोना कॉफी केक देखने वाले हैं. सो जल्दी जल्दी लाइव आ जाना. यहाँ पे मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज लिया हुआ है. कितने जने? स्नेहा मस्त दिसते. थैंक यू स्नेहा. सुवर्णा, बेलेटेड हैप्पी बर्थडे मैम. थैंक यू. कल हम लोग लाइव आए थे और बहुत सारे लोगों ने विश किया है, मुझे पर्सनली कॉल करके भी किया है. श्वेता मारी, एक्साइटेड टू वॉच वीडियो. या थैंक यू. मनाली, हाय. वर्षा, हाय. हाय मनाली, हाय वर्षा. खुशबू, हाय. हाय खुशबू. तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज लिया हुआ है डालगोना कॉफी केक के लिए, और डालगोना तो बहुत फेमस था. ज्योति, कोको पाउडर कौन सा कंपनी यूज करता? कोको पावडर असं कंपनी असं नाही आहे, म्हणजे तुम्ही डार्क, त्याच्यामध्ये दोन हे येतात, एक डार्क मध्ये येते आणि एक थोडं लाईट मध्ये येतं, तर कुठल्याही चांगल्या कंपनीची तुम्ही यूज करू शकता. बेकर्स विला के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं. कल्याण मध्ये क्लास घेता का? कल्याण में नहीं है, कल्याण में नहीं, बट विक्रोली एंड खारघर में है. 10 जनवरी को, अभी ये जो कमिंग संडे है, तो वहाँ पे हमारा खारघर में बैच होने वाला है, तो जल्दी जल्दी पिंग कीजिए जो भी इंटरेस्टेड है. गौरांगी, प्राउड ऑफ यू डियर सोना. थैंक यू डियर गौरांगी. राजेश बोहिर, हाय. हाय राजेश. चलो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे मैंने डालगोना कॉफी केक के लिए स्नेहा वॉचिंग फ्रॉम दुबई. थैंक यू स्नेहा. यहाँ पे मैंने डालगोना कॉफी केक के लिए बैटर बना के रखा है. इसमें मैंने जो कॉफी पाउडर लिया है नेस्कैफे का, एंड शुगर एंड वाटर. 3 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर लिया हुआ है, 3 टेबलस्पून मैंने शुगर लिया हुआ है, और 1 टेबलस्पून मतलब थोड़ा सा बैटर हम लोग 2 टेबलस्पून वाटर डाल दीजिए, वार्म वाटर, और अच्छे से बीटर से बीट करना है, और इस तरह से बैटर होना चाहिए अच्छे से. तो अब हम स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे दादरला आहे का? मिश्का नाईक दादरला एक्चुअली माझे डिसाइड होते हैं,
बट प्लेस थोड़ा प्रॉब्लम है, प्लेस माझा अवेलेबल झाला की मी लगेच कॉन्टैक्ट करेल, कारण दादर का भी मुझे बहुत सारी इंक्वायरीज है दादर के लिए भी, बट अभी खारगर है फिलहाल दिस संडे, एंड नेक्स्ट संडे पूना है वड़गांव में, पूना वड़गांव, एंड उसके बाद नाशिक में है पंचवटी में, नेक्स्ट संडे नाशिक पंचवटी, ठीक है। तो जो भी नाशिक पूना एंड खारगर के लिए इंटरेस्टेड है, विक्रोली का डेट कंफर्म नहीं है, मैं डेट आपको एक बार कंफर्म करके, विक्रोली में भी बैच होने वाली है तो विक्रोली का भी मैं एक 16 को या रहेगा, सो 15-16 को। यहाँ पे मैंने वाटर नॉर्मल वाटर से सोक कर रही हूँ चॉकलेट स्पॉन्ज, स्वाति कौन सा केक बनवा था? डालगोना कॉफी केक, डालगोना कॉफी, बहुत ट्रेंड चल रहा था बीच में डालगोना, और आज मुझे डालगोना कॉफी केक का ऑर्डर है, तो मैं बोली चलो आज आपको न्यू फ्लेवर सिखाती हूँ डालगोना कॉफी केक। 2 kg केक के लिए कितना इंच का टिन चाहिए? आप 8 इंच का भी टिन यूज करते हैं तो भी चलेगा 8 इंच का, बट उसका जो 8x4 होगा तो वो ज्यादा बेटर है। माधव हाय, नंदिनी हाय, पूनम हाय, माधव हाय, नंदिनी। नाशिक मध्ये कुठे? नाशिक मध्ये पंचवटीला आहे, नाशिक में पंचवटी में है, नाशिक के एंट्री स्टार्ट हो गए है। सातारा कोल्हापुर ले हुई आता पुणे में नेक्स्ट 17 जान को है स्पॉकिंग ऑनलाइन, सॉरी स्पॉकिंग ऑनलाइन चला, स्पॉन्ज केक क्लास ऑनलाइन अगर आपको करना है तो 400 rupees है ओनली स्पॉन्ज केक, एंड पूरा टोटल आपको बेसिक से एडवांस से लेके करना है तो आपको 1500 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बैटर जो बना के रखा है वो मैं कॉफी अपने क्रीम में ऐड कर रही हूँ। पंचवटी मुझे कूटे, पंचवटी में आपको सारी डिटेल्स मिलेगी, मैं एरिया का आपको लोकेशन बता रही हूँ पंचवटी में, आपका सीट कंफर्म होने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको सारी डिटेल्स मिलेंगे, कहाँ पे है एड्रेस, पूरा एड्रेस मिलेगा आपको। बट यहाँ पे मैंने देखो अभी कल्याण मध्ये घ्या ना मैडम क्लास, कल्याण मध्ये जागा अवेलेबल करून घ्या, कल्याणला पण घेऊया आपण काय। यहाँ पे देखो मिळाला हुआ है क्रीम में और अच्छे से मिक्स करके लेंगे, देखो कॉफी का कलर कितना अच्छा आया है, मतलब क्रीम को टेक्सचर भी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रैच एंड प्रीमिक्स? स्क्रैच यानी कि जैसे हम लोग मैदा वगैरह यूज करके केक बनाते हैं उसको स्क्रैच से करते हैं, और प्रीमिक्स यानी बाहर से प्रीमिक्स मिलता है, तो प्रीमिक्स अलग है एंड स्क्रैच से अलग बनाना है, ठीक है। तो हमारा जो कोर्स रहता है उसमें बोथ हम लोग कवर करते हैं स्पॉन्ज। यहाँ पे देखिए बैटर अच्छे से बना हुआ है, तो इस तरह से हमें बना के लेना है। यहाँ पे मैं अभी फर्स्ट एक लेयर लगा रही हूँ। कॉफी बैटर कैसे बन रहे मैं? डालगोना कॉफी का जो बैटर है वो हमें 2-3 स्पून कॉफी पाउडर लेना है, कोई भी कंपनी का ले लो, नेस्कैफे ले लो, ब्रू ले लो, कोई भी ले लो, 2-3 टेबल स्पून, जितना आप टेबल स्पून कॉफी पाउडर ले ले उतना ही टेबल स्पून शुगर लेना है, और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून उसमें वाटर ऐड करना है। रजिस्ट्रेशन के चार्जेस कितनी? कशाचे रजिस्ट्रेशन के? रजिस्ट्रेशन 1000 रजिस्ट्रेशन करना है आपको, 1000 पे करके गूगल पे करना है, यही नंबर है मेरा 9892-19645। मिक्सर में क्या डाला है मैम? मिक्सर में कौन सा मिक्सर क्वेश्चन नहीं पता चला है, अगेन पूछिए थोड़ा। यहाँ पे मैंने अभी अच्छे से लगा के लिया है बैटर,
सर तुम्ही बर्थडे गिफ्ट काय दिला मॅमला? स्मार्ट वॉच दिला. स्मार्ट वॉच, दिस इज माय बर्थडे गिफ्ट. स्मार्ट वॉच मिला है मुझे. वैष्णवी हाय. हाय वैष्णवी. यहाँ पे मैंने अभी बैटर लगा के लिया है और अभी यहाँ पे मैं गनाच यूज करने वाली हूँ. गनाच का रेसिपी मैंने बहुत बार आपको बोला है, डार्क चॉकलेट एंड अमूल फ्रेश क्रीम यूज करके करना है 1:3 रेशियो से. और अभी यहाँ पे मैं चॉकलेट गनाच ऐड कर रही हूँ उसमें. बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लगता है, आप जरूर ट्राई करके देखिए. और ये अच्छे से लगाना है. पानीपुरी केक कभी बनाना रहे? पानीपुरी पर बनाओ भैया, पानीपुरी भी बनाएंगे जल्दी. केक? यस यस, पानीपुरी का केक ही जल्दी बनाएंगे हम लोग. और यहाँ पे मैं ऊपर आप व्हाइट चोको चिप्स ऐड कर रही हूँ, व्हाइट चोको चिप्स. और इसमें आप नट्स भी डाल सकते हैं, आलमंड रोस्ट करके भी डाल सकते हो. ठीक है रोहिणी. हाय अमृता. हाय. हाय रोहिणी. हाय अमृता. मैम काल तुम्ही खूप छान दिसत होता. थैंक यू प्रणीता. यहाँ पे मैं ऊपर वाला प्राइस फॉर डालगोना केक. प्राइस इसका आप हाफ केजी का 450 दे सकते हो, क्योंकि इसमें हम लोग गनाच यूज कर रहे हैं, चोको चिप्स यूज कर रहे हैं. आप चाहे तो उसमें आलमंड, रोस्टेड आलमंड यूज कर सकते हो. तो डिपेंड्स आपका कॉस्टिंग निकालो और आप एरिया वाइज भी उसका ये रख सकते हो, प्राइस रख सकते हो. व्हिच केक इज दिस? डालगोना कॉफी केक. यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे लगाया है. और केक अच्छे से साइड फर्स्ट कवर करना है हमें. दिस केक इज फ्रॉम स्क्रैच और प्रीमिक्स? प्रीमिक्स. दिस इज अ ऑर्डर केक. ऑर्डर केक में प्रीमिक्स से ही बनाती हूँ. हाय मैम, आप कहाँ से हो? मुंबई से. आई एम फ्रॉम मुंबई. अभी अगेन हम लोग सोप गनाच के लिए डार्क कंपाउंड ही यूज करना है, ना कि आपको ये सादा वाला, मीडियम वाला नहीं यूज करना है. और व्हाइट गनाच के लिए आप लोग व्हाइट कंपाउंड. माइक्रोवेव ओटीजी. ओटीजी इज बेस्ट, क्योंकि ओटीजी में फंक्शंस रहते हैं, डाउन कॉइल रहता है, साइड कॉइल, अप कॉइल. तो ओटीजी बहुत बेटर होगा. कौन सा केक है? डालगोना कॉफी केक. अभी केक अच्छे से मैंने स्पॉन्ज, जैसे मैंने ऑलवेज आपको बताया है कि जो नॉर्मल वैनिला स्पॉन्ज रहता है वो चॉकलेट स्पॉन्ज वैनिला कंपेयर टू वैनिला से ज्यादा सोक करना है, क्योंकि इसमें कोको पाउडर रहता है. हाउ टू मेक गनाच? हाउ टू मेक गनाच? गनाच गनाच अमूल फ्रेश क्रीम एंड डार्क कंपाउंड यूज करते हैं गनाच के लिए. तो जैसे कि हम लोग ने 100 ग्राम अमूल फ्रेश क्रीम लिया है, तो 200 ग्राम हमें गनाच यूज करना है. ते प्रीमिक्स मध्ये एक टाकू शकता का? एग नो. अभी यहाँ पे हम लोग अगेन सेम प्रोसेस करने वाले हैं. विक्रोली में कुटे? विक्रोली में टागोर नगर में है. टागोर नगर नागपुर में होलसेल मार्केट का है. नागपुर का होलसेल मार्केट? नागपुर में होलसेल मार्केट नहीं, नागपुर का कुछ आइडिया नहीं बाबा, आप गूगल कर सकते हो. अभी यहाँ पे मैंने अगेन सेम प्रोसेस किया हुआ है. अगेन हम लोग यहाँ पे चॉकलेट गनाच यूज करेंगे. आपका टर्न टेबल कौन सा है? ये इसका है, फाइबर का है. आप एक्रिलिक फाइबर दोनों भी यूज कर सकते हैं. एंड स्टील, लेकिन प्लास्टिक का यूज मत कीजिए. अगेन सेम चोको चिप्स डालना है इसमें. ये बहुत टेस्टी केक लगने वाला, इट्स वेरी यम्मी. रोशनी हाय. हाय रोशनी.
खूब छान शिकवतात मैम. थैंक यू सो मच. हाय प्रिया. अभी हम लोग का जो बोरिवली बैच हुआ बहुत एंजॉय किया आपने, देखा ही है मैंने लाइव सेशन में भी आपको लाइव में लिया था. बहुत हम लोग ने एंजॉय करके क्लास किया हुआ है. वंदना हाय, नूतन हाय, सोनाली हाय, हाय वंदना, भूमिका हाय, हाय भूमिका, मीतू हाय, हाय मीतू, वंदना हेलो, विराला कधी आहे नेक्स्ट बैच? विरारला कॉन्टॅक्ट करा. विरार मध्ये आता नेक्स्ट वीक मध्ये आपण घेऊया. विरार मध्ये मी वीकडेज मध्ये घेते विरारची बैच, बिकॉज संडे ऑलमोस्ट हम लोग बाहर ही रहते हैं, क्योंकि बाहर के जो बैच रहते हम लोग संडे कवर करेंगे. और जो विरार का बैच है वो हम लोग वीकडेज में लेने वाले हैं. तो जो भी इंटरेस्टेड है विरार के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट, क्योंकि ऑलरेडी विरार के मुझे मेरा एडमिशन हो गया है. तो सिर्फ डेट में उनको बताने वाली हूँ अभी नेक्स्ट वीक. प्लास्टिक क्यों नहीं करना? किसके लिए ये प्लास्टिक? उसका आपको इतना कवर नहीं होगा प्लास्टिक से, इसके लिए यूज नहीं करना है. बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लास्टिक जब मूविंग नहीं होता है अच्छे से. कॉफी बैटर कैसे बनाता है? कॉफी बैटर के लिए आपको कॉफी पाउडर, शुगर एंड वाटर 2-3 टेबल स्पून आपको कॉफी पाउडर लेना है, 2-3 टेबल स्पून आपको शुगर लेना है एंड 1 टेबल स्पून आपको वाटर लेना है. और अच्छे से बीट करना है, बीटर मशीन जो है हमारी उससे बीट करना है. विक्रोला कधी घेणार? विक्रोली 16 जान चा प्लान चालू आहे. 16 जान आज कुठला क्लास घेतला तुम्ही? क्लास आज कुठले क्लास घेतले तुम्ही? आज कुठलाच नाही. आज माझा ऑर्डर, आज मेरा ऑर्डर था बहुत सारा, सबके क्रम्बल कोट बना के हो गया और डिजाइन बाकी है. अभी हम लोग यहाँ पे डेकोरेशन फीस कितनी है का आप जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए. ऑफलाइन की क्लास की फी 3000 है एंड ऑनलाइन की 1500 है. तो जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज कॉन्टेक्ट कीजिए 9892219645 पे, और उसी पे मेरे सारे डिटेल्स आपको मैं मैसेज करूंगी. सूरत लगती था ना? कोलकाता? नो नो, कोलकाता स्टिल अभी नहीं पॉसिबल है. कोलकाता एंड सूरत फिलहाल. मैं अभी यहाँ पे व्हाइट कलर से ही कवर कर रही हूँ केक को. विनीता हाय. हाय विनीता. सिक्सटीन जान विक्रोली बैच है. 16 जान एंड 17 जान पूना. प्रीति दवे हाय. हाय प्रीति. कॉफी बैटर मध्ये पाणी गरम टाकायचे का? वॉर्म टाकायचं, अगदी गरम असं नाही, गरम नाही, थोडा वॉर्म चाहिए, मतलब थोडासा, मतलब मराठी मध्ये कोमट हवंय पाणी थोडं. पूजा कशा भालो? हाय पूजा. बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था मैम मराठी में बात कीजिए, बट मराठी में पूरी तरह से बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो जिन्हें मराठी नहीं समझ में आती उनके लिए मुझे पुणे में वडगाव, वडगाव बुद्रुक, विक्रोली टागोर नगर, विक्रोली में टागोर नगर में है, पुणे में वडगाव बुद्रुक, नागपूरला आता बघू लोणावळा. लोणावळा वाले लोग आ जाइए पुणे में. फॉर हाफ केजी केक हाउ मच प्रीमिक्स एंड क्रीमी न्यूज? हाफ केजी ला किती यूज होतो क्रीम आणि प्रीमिक्स? हाफ केजी के लिए आपको 150 ग्राम प्रीमिक्स यूज करना है. 150 ग्राम यहाँ पे अब लोग हम लोग स्क्रैपर के हेल्प से व्हिप क्रीम कौन सा है? ट्रोपोलाइट, ट्रोपोलाइट यूज करना है स्क्रैपर के हेल्प से हमें. आई एम फ्रॉम टागोर नगर ओनली. ओके, तो आप टागोर नगर का बैच अटेंड कर सकते हो मैडम. कॉन्टैक्ट कीजिए 9892219645 पे, आपको सारी डिटेल्स मिलेगी क्लास की. अभी यहाँ पे
अच्छे से पैलेट नाइफ क्लीन करो फर्स्ट एंड डोंबिवली मजा आएगा। नो नो डोंबिवली के लिए नहीं है। कौन सा केक है? डालगोना कॉफी केक। ठाणा का दिया है क्लास? ठाणा में भी नहीं है, सिर्फ खारगल विक्रोली। ठाणा वाला विक्रोली का है? हाँ ठाणे वाले विक्रोली में आ जाओ। अभी मैं विरार लेती हूँ आपके लिए, इतना ट्रैवल कर सकती हूँ तो आप भी तो ट्रैवल करो थोड़ा सा। विरार में कहाँ होता है? विरार में सेंट्रल पार्क में, विरार वेस्ट सेंट्रल पार्क। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से हम लोग टू गोवा। यस यस गोवा तो मैं जरूर आऊंगी कंफर्म। अभी यहाँ पे मैंने कॉम लिया है और कॉम के हेल्प से जस्ट कॉम ऐसे पकड़ना है एंड आप टर्न द टेबल। ठीक है शालिनी, हाय। ये रहा है, हाय शालिनी। विरारला कधी आहे बॅच? विरारला डेट सांगते मी। विरारला यहाँ पे केक अच्छे से हम लोग ने जल्दी मेल्ट होती है ट्रॉपी लाइट में। जल्दी मेल्ट होती है ट्रॉपी लाइट, ट्रोपोलाइट क्रीम जल्दी मेल्ट होती है। मेल्ट तो अभी विंटर सीजन है, अभी तो मेल्ट नहीं होना चाहिए ऑलमोस्ट। तो एक्चुअली मेल्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोग अभी विंटर सीजन है और उसमें क्या है ना कि आप प्रॉपर नहीं बनाते होगे इसीलिए प्रॉब्लम आता रहेगा, नहीं तो एक्चुअली क्रीम का भी इश्यू नहीं होना चाहिए क्योंकि जो गर्मी का सीजन होता है उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम होता है, बट अभी फिलहाल नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे वीडियो नॉट क्लियर वीडियो नहीं समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे अभी मैंने वीडियो ब्लर सब लोग को वीडियो समझ, वीडियो प्रॉपर है सबका, मतलब पता चल रहा है वीडियो इज प्रॉपर। पैलेट नाइफ कौन सा कहते हैं? पैलेट नाइफ आप कोई भी यूज करो, 8 नंबर है 9 नंबर है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपको जैसे आपको कंफर्टेबल रहेगा वैसे। लिया हुआ है ठीक है, और इसमें मैं थोड़ा न्यूट्रल जेल ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून न्यूट्रल जेल ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिला के लीजिए उसको। परी हाय, हाय परी, ये देखो अच्छे हेमांगी से। हाय हाय हेमांगी। मैम सोलापुरला ही आना, सोलापुरला अभी सब जगह पे अभी नहीं घूम सकते ना फिलहाल, सिचुएशन अभी मतलब थोड़ा सा अभी ये सिचुएशन में और जगह लंबा नहीं जा सकते। विच ब्रांड ऑफ प्रीमिक्स ऑफ प्रिस्टीन कंपनी का प्रीमिक्स हम लोग यूज करते हैं, प्रिस्टीन कंपनी। ओके यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे गनाज में थोड़ा न्यूट्रल जेल मिक्स किया हुआ है। कौन सी बैटर मशीन यूज करता था? और फिलिप्स का यूज कीजिए, फिलिप्स बहुत अच्छा है और विक्टर का जो वैट है वो 400 वैट मिनिमम होना चाहिए या फिर 300 होगा तो भी चलने वाला है। तुमचा मिस्टर ना पण केक बनते होगा? आज मेरे मिस्टर नहीं है सामने, आज मेरा भाई है। मिस्टर आज थोड़ा ऑफिस वर्क चल रहा है उनका तो उन्हें। फिल्टर कौन सा कंपनी का है? मैं फिल्टर कोई भी कंपनी का ले लो, उसका कोई मतलब ये नहीं है, ब्रांडेड ले लो सिर्फ, बट उसका जो वैट बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करता है। गिरगांव में अरेंज कर सकते हैं आप, सिर्फ मुझे बता दीजिए गिरगांव में आप
बैच आराम से हम लोग अरेंज करेंगे। गनाज डार्क चॉकलेट कितनी है? गनाज के लिए चॉकलेट हम लोग 100 ग्राम ले रहे हो तो 50 ग्राम आपको अमूल फ्रेश क्रीम ले रहे हैं। शेकर केक फॉर्म कराना है क्या? मतलब शेकर शेकर यहाँ पे आता हो? हाँ? पुणे में आते हो? हाँ पुणे में आ रहे हैं ना हम लोग, 17 को पुणे है। जो भी इंटरेस्टेड है पुणे के लिए कांटेक्ट कीजिए। जेल कौन सा फ्लेवर है? फ्लेवर न्यूट्रल जेल, नॉर्मल जो हम लोग पाइपिंग जेल कहते हैं उसे, पाइपिंग जेल वो यूज कर रहे हम लोग यहाँ पे। ये कितने केजी का केक है? ये हाफ केजी का है। यहाँ पे हम लोग ड्रिपिंग कर रहे हैं। व्हाट इज न्यूट्रल जेल? न्यूट्रल जेल आणि पाइपिंग जेल, एक मिनट हा, यहाँ पे हम लोग ड्रिपिंग कर रहे हैं। ड्रिपिंग किया हुआ है केक को और बचा हुआ में सारा यहाँ पे दोनशे वैट बेटर यूज कर सकते हैं। क्या क्या? दोनशे वैट सा बेटर नहीं, दो 200 वैट से आपको बहुत प्रॉब्लम होगा क्योंकि 200 ग्राम में 200 जो वैट है उससे अच्छा प्रॉपर नहीं बीट होगा आपका क्रीम। क्लास की डिटेल्स जानना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9892219645 पे। ऑफलाइन क्लास फीस है 3000। ऑफलाइन में जो कोर्स हम लोग केक बताते हैं वो अलग है। कॉन्टैक्ट नंबर 9892219645। मैं हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, यूट्यूब नंबर सारे सेंड करते हैं हम लोग। यूट्यूब का भी हमारा चैनल है तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे मैंने वीडियोस वहाँ पे ऐड किए हुए हैं, आप चाहे तो उसे विजिट कीजिए। अब यहाँ पे जो क्रीम है गनाच है उसको स्प्रेड करने वाली हूँ मैं अच्छे से। फ्रेश क्रीम खराब होते का? ती फ्रेश क्रीम कशी स्टोर कराई ची? फ्रेश क्रीम आप जब आप ओपन करते हो ना तो आपको वो फ्रिज में ही रखना है, ठीक है? फ्रीज में ही आपको रखना है। यहाँ पे देखो हम लोग ने ड्रिपिंग किया हुआ है अच्छे से। मुफिन्स के लिए कौन सा प्रीमिस यूज करना चाहिए? किसके लिए? मुफिन्स। मुफिन्स मफिन्स का अलग प्रीमिक्स मिलता है, केक का अलग प्रीमिक्स मिलता है, प्लम केक का भी अलग प्रीमिक्स, सबका प्रीमिक्स, ब्राउनी का भी अलग प्रीमिक्स मिलता है। तो आप इस तरह से वहाँ पे जाके आप पूछो आपके यहाँ पे। हाय अंकिता। हाय निधा। हाय अंकिता मैम, आई यूज पिल्सबेरी प्रीमिक्स। पिल्सबेरी? पिल्सबेरी मैंने यूज नहीं किया हुआ है बट आप पता नहीं उसका, मैं तो ऑलवेज क्रिस्टीन कंपनी का यूज कर सकती हूँ बट पिल्सबेरी बहुत सारे लोग यूज करते हैं तो मैं उसका आपको रिजल्ट नहीं बता सकती बट आई एम ऑलवेज यूजिंग क्रिस्टीन कंपनी का प्रीमिक्स, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग 1 mm नोजल नंबर लेंगे, नोजल नंबर 1 mm। यहाँ पे मैं नोजल नंबर 1 mm ले रही हूं। मैम केक पाउडर क्या होता है? क्या केक पाउडर क्या होता है? केक पाउडर पता नहीं आप क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। बेकिंग के लिए ओटीजी बेस्ट होती है कि माइक्रोवेव? ओटीजी माइक्रोवेव से बेटर है ओटीजी, और अगर आप माइक्रोवेव यूज कर रहे हो तो कन्वेक्शन मोड चाहिए। विदाउट कन्वेक्शन मोड आपका केक अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है? ऑनलाइन क्लास मध्ये फ्लावर बनवला शिकवतात?
ऑनलाइन क्लास मध्ये आइसिंग टेक्निक भी है, क्योंकि मैं मेरे क्लास में आइसिंग टेक्निक, एक्चुअली आइसिंग टेक्निक एंड बेसिक टू एडवांस ये दोनों भी क्लास अलग अलग है, बट बेसिक टू एडवांस आप जो भी क्लास सीखेंगे और बट आपको आइसिंग टेक्निक नहीं आ रही है तो आप कोई भी डिजाइन अच्छे से नहीं कर पाते हो। इसके लिए मैं मेरे क्लास में आइसिंग टेक्निक भी आपको साथ में ही सिखाती हूँ, क्योंकि आइसिंग के बिना, प्रॉपर आइसिंग के बिना आप केक अच्छा नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो आइसिंग बहुत मस्त है केक के लिए। मैं मुंबई में, आपका क्लास कहाँ है? मुंबई में अभी है ना, मुंबई में विक्रोली में है, बोरिवली में है, पनवेल में। हाँ, पनवेल में आते हो? पनवेल में नहीं, खारघर में आना, खारघर में हूँ। अभी हर एक प्लेस पे नहीं ले सकते हैं ना क्लास, ऑफलाइन क्लास भी। हाँ, ऑफलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास भी 3000 है। 3000 में आपको बेसिक टू एडवांस विद आइसिंग टेक्निक सीखने मिलने वाला है। कितने लीटर का ओटीज लेना होता है? डिपेंड्स आपको, मतलब कितने केक्स आप किस तरह से केक बनाते हो, दिन में कितने केक्स बनाने चाहते हो, तो उस हिसाब से आपको जितना यूज है उस हिसाब से आप लीटर का ओटीजी खरीदो, ठीक है। गनाच रेसिपी। हाँ, गनाच रेसिपी, गनाच, गनाच का रेसिपी मैंने बहुत बार बताई है। आप मेरा जो वीडियो है आप फिर से प्रॉपर देख लो, मैंने यही क्लास में बहुत, मतलब यही सेशन में ही बहुत बार बताया हुआ है। मैं यहाँ पे ब्राउन कलर ऐड कर रही हूँ, दिस इज अ जेल कलर, थोड़ा कॉफी का, मतलब केक है तो कॉफी का फीलिंग आना चाहिए ना। बोरिवली साइड बेस, बोरिवली अभी बैच हुआ है जस्ट लास्ट संडे 3 जनवरी को, तो अभी मेरा बोरिवली का जो बैच है अभी नेक्स्ट मंथ फेब्रुआरी में है, क्योंकि एक ही बार में एक बैच ले सकती हूँ मंथ में एक ही बार एक ही जगह पे, क्योंकि मुझे और भी जगह कवर करना है। बोरिवली कुठे असेल, कधी आणि फीस किती? बोरिवलीला प्रेम नगर स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पे है, वॉकिंग डिस्टेंस है प्रेम नगर, वहाँ पे आप कर सकते हो क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने नोजल नंबर 1M लिया हुआ है, अभी मैं यहाँ पे डिजाइन कर रही हूँ 1M से, सिंपल डिजाइन है बट बहुत ही बढ़िया लुक्स है। फाउंटेन कौन से बोलना का? यस यस, फॉन्डन केक का अलग है, बट फॉन्डन केक ऑनलाइन है मेरा, ऑनलाइन बट अभी फिलहाल नहीं है, 12 जान से स्टार्ट होगा मेरा फॉन्डन केक। वीडियोस चल रहे हैं मेरे, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर 9892196455। रिपीट कर, 9892196455 पे कॉन्टैक्ट कीजिए। ये डिजाइन किया हुआ है हम लोग ने, और बॉर्डर के लिए भी थोड़ा सा। कप केक साथी ऑनलाइन क्लास आएगा? ना, कप केक के लिए नहीं है। नोजल कौन से लेने चाहिए? हाँ, नोजल कौन से? नोजल 1M। जैसे यूज साइड कौन सा यूज, मतलब है नोजल 1M का? नोजल बहुत जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं, R11 है वो भी आपको बहुत अच्छे से यूज में आएगा, मतलब आपको कम सिलेक्टेड नोजल लेना है तो आप 1M लीजिए। खारघर का कुठे? खारघर का आप मुझे मैसेज कीजिए ना, मुझे ऐसे आर्मी कॉलोनी है ना वहां पे है खारघर में। व्हिच फ्लेवर केक इज दिस? डालगोना कॉफी केक, अभी खत्म होने को आया और आप पूछ रहे कौन सा केक कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अभी बॉर्डर दे रहे, जस्ट अप एंड डाउन डिजाइन है, सिंपल फाउंडन केक के चार्जेस क्या है मैम? 2000। Just for rupees 2000, ठीक है? Velvet cake दाखवा लाइव मध्ये। Red velvet, या जरूर दिखाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा white chips डाल रही हूँ इसपे।
पाइपिंग बैग फिर से यूज कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं दिस इज अ यूज एंड थ्रो आइटम सो डोंट यूज अगेन. यहाँ पे मैं गोल्डन कलर का कलर डेकोर है, गोल्डन कलर का कलर यूज स्प्रे यूज कर रही हूँ यहाँ पे. तो अभी हमारा ये जो फेवरेट सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट नहीं नहीं सर्टिफिकेट नहीं दे रही. यहाँ पे हमारा केक तो और विराट खारगर विक्रोली नाशिक पूना सारे लोग इंटरेस्टेड है. अभी मेरा केक डालगोना कॉफी केक कैसा लग रहा है जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए. डालगोना कॉफी केक रिव्यूज क्रीम में कौन सा ऐड किया है? क्या क्रीम में कौन सा ऐड किया है? डालगोना कॉफी जो बनाते हैं उसका डालगोना मिक्सचर मैंने बना के रखा था वो क्रीम में यूज किया हुआ है. ठीक है और उसमें हम लोग जैसे आप जो भी मतलब आपको नई डिटेल्स मिल रहा है तो आप ये वीडियोस पूरी तरह से देख सकते हो. अगेन नोजल कौन से यूज करते हो? 1M कौन से यूज करते हो? हर एक डिजाइन के लिए अलग अलग नोजल है तो यहाँ पे मैंने 1M नोजल यूज करके बनाया है डिजाइन. 1 kg का रेट क्या है? किसका? सेम केक सेम केक का बेच सकते हो 850. ठीक है तो ये केक हमारा रेडी है. आपको जो भी डिटेल्स चाहिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए 9892196 पे. यूट्यूब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब कॉपी मतलब सेंड किया हुआ है और आप मेरा नंबर भी है तो आप मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिए. जो भी डिटेल्स जानना है 9892196 पे कांटेक्ट कीजिए. सो थैंक यू क्योंकि मुझे बहुत सारे और केक्स बाकी है तो अगर मिलते हैं नेक्स्ट बैच. बाय बाय सी यू.